राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम यमुना भाग तीन। पहाड़ों से लहराती बलखाती यमुना अब मैदान पर आ चुकी है। कई जगह नदी के बेहद चौड़े पाट हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां यमुना नदी पर लोगों की निर्भरता का विस्तार होता जा रहा है। हम खड़े हैं दिल्ली की दहलीज पर। आगे आगे देखिए यमुना कैसे जनजीवन को प्रभावित करती है। अरे सुबैया। हाँ दादा। देखो आज जल्दी निकलना है। अच्छा। नाश्ता कर लेते हैं और तुम ऐसा करो बोतलों में पानी भर लो। जी अच्छा ठीक है मैं भरता हूँ पानी। आओ। हम लोगों ने यमुना के साथ साथ चलना शुरू किया मैदानी इलाकों की ओर। यहां यमुना में पानी कम हो गया था, केवल निचले तल में ही पानी बह रहा था क्योंकि ज्यादा पानी नहर में डाल दिया गया था। यमुना के दोनों ओर कई शहर हैं, पश्चिम में जगाधरी, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र वगैरह। यमुना नगर में पेपर मिल, प्लाईबोर्ड, वनस्पति घी के कई छोटे बड़े उद्योग हैं, चीनी मिल भी है। अच्छा। उद्योगों के विकास से शहरीकरण में तेजी आई है। यमुना के पूर्व में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दो पुराने शहर हैं। अच्छा। यहाँ भी पेपर, फर्नीचर, गुड़ और खांडसारी से जुड़े कई उद्योग हैं। भाई यहाँ चीनी मिले भी हैं। यमुना के दोनों ओर का मैदान उपजाऊ है। यहाँ चावल और गेहूं दोनों बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। अच्छा चावल और गेहूं दोनों। यहाँ मैदान यमुना ने ही बनाया है। यमुना ने? लेकिन वो कैसे? देखो भाई नदी अपने तेज बहाव के साथ पहाड़ों से कंकड़, पत्थर, मलबा, मिट्टी आदि लाती है। अच्छा। मैदानी भागों में ढलान कम होने के कारण नदी की गति मंद हो जाती है। जी। और न जाने कब से यमुना नदी भी अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा करती आ रही है। हाँ, वो तो है। नदी की इस प्रक्रिया से मैदानों का निर्माण होता है। मिट्टी के जमाव ने नदियों के बहाव की दिशा को निर्धारित किया है। जमाव से अंबाला के आसपास के क्षेत्र ऊंचे हुए हैं। इसी कारण सतलुज तंत्र की नदियां दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। गंगा तंत्र की नदियां दक्षिण पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्या यमुना नदी के जमाव से? हाँ। अच्छा। यमुना नदी के जमाव ने सतलुज और गंगा नदियों के बहाव को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में?
वरना उत्तरी भारत के मैदानों में पानी की कमी नहीं होती। जी हाँ, वो तो है। यमुना के साथ साथ हम दिल्ली की ओर चलते रहे। दोनों ओर गांव पास पास बसे हुए हैं। हरियाणा के सभी गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कम है। कुछ दूर चलने के बाद अंबाला दिखाई दिया, जो यमुना के पश्चिम में है। अंबाला एक बड़ा शहर है, यहां कई कारखाने हैं और यहां एयरफोर्स का एक बड़ा केंद्र भी है। अंबाला जीटी रोड पर है। अच्छा सुबैया, जानते हो जी, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड और यमुना दोनों समानांतर है। दोनों? अच्छा। जीटी रोड को बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था जी। आजकल ये सड़क नेशनल हाईवे नंबर एक कहलाती है। नेशनल हाईवे नंबर एक? हाँ, पहले ये सड़क पेशावर और कोलकाता को जोड़ती थी। अच्छा। करनाल और मुजफ्फरनगर यमुना से कुछ दूरी पर स्थित है। दोनों क्षेत्रों में चावल और गन्ने की खेती होती है। यहां से यमुना धीरे धीरे बहती हुई पानीपत की ओर बढ़ती है। अरे वाह, पानीपत बहुत सी ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा है। हाँ दादा, मैंने भी कहानी पढ़ी है। अच्छा। हाँ। इसी रास्ते से काफी लोग भारत आए। इसी मैदान में कई लड़ाइयां लड़ी गई, कुछ जीते कुछ हारे। भाई ये लड़ाइयां यमुना के आसपास हुई जी। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, पानीपत की तीन लड़ाइयां मशहूर हैं। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 में हुई। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। लड़ाई में बाबर की जीत हुई। भारत में पहली बार मुगलों का राज्य स्थापित हुआ। दूसरी लड़ाई सन 1556 में अफगानिस्तान के राव हेमू और अकबर के बीच हुई जी, और इसमें अकबर की जीत हुई। हाँ। तीसरी लड़ाई सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, इसमें काफी लोग मारे गए। सुबैया, पानीपत जीटी रोड पर बसा हुआ है जी। ये हथकरघा उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। आज पानीपत ऊनी और सूती कपड़े, फौज के लिए कंबल, चादरों वगैरह के लिए मशहूर है। अच्छा। गर्मियों में यमुना की रेती में तरबूज और खरबूजे उगाए जाते हैं, जिनका जायका कुछ अलग ही होता है। हाँ। खाकर देखे है ना? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ की रेती का प्रयोग भवन निर्माण में भी होता है। स्थानीय लोग हरियाणवी भाषा बोलते हैं, जो खड़ी बोली का एक रूप है जी। दोपहरी में आराम, ढाबे पर खाना, मक्खन, दाल फ्राई, सब्जी, दही और चपाती, मजा आ गया। पर एक बात है। हाँ। यहाँ दूध से बनी काफी चीजें मिलती हैं। अच्छा। क्योंकि दूध की यहाँ बहुत आयत है। यहाँ के लोगों में एक कहावत प्रचलित है। कौन सी? ऐसा देश हरियाणा, नित दूध दही का खाना। आया ना मजा सुनकर? बहुत मजा आया। और दूध दही खाकर भी? हाँ बहुत मजा आया, आनंद आ गया। पानीपत से दिल्ली का सफर लगभग 2.5 घंटे का है। आने जाने के काफी साधन है।
जीटी रोड हर समय व्यस्त दिखाई पड़ती है। हमने रास्ते में देखा कि यहां बस्तियां अधिक सघन हैं, जगह जगह छोटे बड़े कारखाने हैं। भाई दिल्ली और हरियाणा की सीमा की पहचान करना कठिन है। हाँ। एकदम मिली हुई है। यहां सड़कों का एक जाल सा बिछा हुआ है। दिल्ली में हम बस अड्डे पर उतरे। यमुना पासी में बहती है। यहां से वजीराबाद के पुल पर पहुंचे। ये पुल बैराज का भी काम करता है। ये 1860 के दशक में अंग्रेजी शासन के दौरान बनाया गया था। आने जाने के लिए सड़क, दूसरे दिल्ली से कोलकाता की रेलवे लाइन को जोड़ना, तीसरे पानी को रोककर दिल्ली के लिए पेयजल का इंतजाम। जी, ये तीनों काम एक ही पुल से हो गए। अच्छा। कुछ समय के लिए पुल पर खड़े होकर यमुना के पानी को देखा। एकदम साफ और स्वच्छ। पक्षी पानी में तैर रहे थे। हाँ। वजीराबाद से यमुना के साथ साथ चले। कुछ फासले पर छोटी पहाड़ी दिखाई दी। सुबैया से मैंने पूछा, अरे भाई सुबैया। हाँ दादा। ये पहाड़ी का सिलसिला कैसा है? दादा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ आगे चले। चट्टानों के बीच से गंदे पानी का नाला दिखाई दिया, जो यमुना को प्रदूषित कर रहा था। यहीं से यमुना मलिन होने लगती है। यहां पानी का रंग बदलने लगता है। यहां यमुना कुछ लज्जित सी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा आघात लगा हो। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि वो खुद कुछ कहना चाहती है। मैं यमुना, गंगा की सखी, सूर्य की पुत्री, कालिंदी यमुनोत्री से चली थी। 500-600 किलोमीटर के सफर तक मैं स्वच्छ रही, लेकिन दिल्ली ने मुझे सिवरेज व नगर की गंदगी का वाहन बना दिया। मुझे स्वच्छ करने की अनेक योजनाएं कार्यान्वित हुई, लेकिन मेरी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। शायद दिल्ली गंदे पानी का बंदोबस्त ठीक से नहीं कर पाई। समाज में नदियों का मान सम्मान तो सदा से ही रहा है। कभी इंसान ने नदी को देवालय बनाया, कभी राजशाही का अंग, शान और शौकत का हिस्सा बनाया, कभी रक्षा की दीवार बनाया, और कभी विकास का माध्यम, तो कभी मनोरंजन का केंद्र बनाया। मुगल काल में बादशाह शाहजहां ने मेरे पश्चिमी किनारे पर लाल किला बनवाया। चारों ओर रक्षा के लिए नहरें निकाली, चांदनी चौक जैसे बाजार बनाए, बाजार के बीच से नहरें बनाई। मैं उस समय शाहजहांबाद की आन थी, शान थी,
जान थी, लेकिन आज